इंश्योरेंस कंपनियां आईं और इन्होंने जानो माल के तहफ्फुज़ का बेड़ा उठाया। इस सिलसिले में आलम इस्लाम के उलमा की राय दो हिस्सों में तकसीम हुई। बाद लोगों ने इंश्योरेंस को जायज़ करार दिया और अक्सर लोगों ने नाजायज़ करार दिया। हिंदुस्तान की सूरत हाल में दारुलूम देवबंद, नदवतुल उलमा, मजाहिरुलूम सहारनपुर और दीगर उलमा का फतवा यही रहा है कि इसके अंदर जुए की कैफियत और धोखे की कैफियत होने की बुनियाद पर नाजायज़ है। आम हालात में हमारी राय यही है कि इंश्योरेंस से बचना चाहिए, इल्ला ये कि शदीद ज़रूरत हो तो कराने की इजाज़त शरी तौर पर मुफ्तियाने किराम देते हैं। अलबत्ता इसका बदल कफारती निज़ाम अफ्रीका और दीगर जगहों पर तलाश किया गया है, जो इंश्योरेंस की जगह पे बेहतर तरीके पर शरीयत के मुताबिक जगह ले सकता है।